जमशोरा में पाकिस्तान स्टडी सेंटर सिंध यूनिवर्सिटी जमशोरा पारा बिन्हीं के परफॉर्मेंस ऑफ साउथ रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ज़रई तरक्की के मौजू ते बिन्हीं जो आलमी कॉन्फ्रेंस बेनज़ीर कन्वेंशन हॉल में मुनक़द कयो वियो। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से कई वही जै बाद सिंधी डेवलपमेंट पेश कयो वधीक पेश है काशिफ शन्ना की ये रिपोर्ट। इन डीहर वारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जेका सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के तरफा स्पॉन्सर थी आ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तरफा ये टी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जेका कंपटीशन के तहत सिंध यूनिवर्सिटी विन कई एकड़ी गुजरल जो माली सालों साल इन कॉन्फ्रेंस की इन कर अहमियत वधिक आ छो तो असी पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री आका टॉपिक जो है तो परफॉर्मेंस जेका है ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जो उहो केतरो इम्पेक्ट पियो आ असांजे इकोनॉमी ते माण्हुनि जी फूड जी जेका स्केयरसिटी खोटी उन ते केतरो पूरा थियो आ ऐं फ्यूचर में असां अञा छा सोचणु खपे जॾहिं त ज़मीन साॻी आहे पाणी जा रिसोर्स जेके घटिजनि पिया ग्लोबल वार्मिंग जो असर बि पवे पियो इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट्स बि आहिनि त उन जे लाइ साइंटिस्ट ऐं उन सां गॾोगॾु फार्मर ऐं गवर्नमेंट्स गॾिजी छा छा उन्हनि खे करणु खपे उन जे लाइ हीउ जेको आहे कॉन्फ्रेंस इहा हिकिड़ो रिव्यू करण जो हिकिड़ो मौक़ो थो मिले जंहिंसां जेका रिकमेंडेशन्स ईंदियूं उहे फार्मर्स ताईं वेंदियूं ऐं फार्मर्स ताईं जॾहिं उन जो समर उन्हनि खे समरात मिलंदा त उन सां इहो थींदो त हिकिड़ो जेको पॉपुलेशन वधे पई उन जे लाइ फूड जी अवेलेबिलिटी हूंदी। पाकिस्तान स्टडी सेंटर हिकिड़ो वॾो सेंटर आहे नेशनल लेवल ते इंटरनेशनल लेवल ते ऐं असांजी हमेशह इहा कोशिशि रही आहे त पाकिस्तान खे जेके दरपेश चैलेंजेस आहिनि उनखे असां उन्हनि जो हल ॻोल्हियूं उन ते रिसर्च कयूं ऐं अहिड़े क़िस्म जूं कॉन्फ्रेंस कयूं त जीअं मसइलनि खे हल करे सघिजे। मुंहिंजे ख़्याल में हीअ जेको आहे सो हिकु वॾी कॉन्फ्रेंस आहे वॾी लेवल जी कॉन्फ्रेंस आहे ऐं पहिरियों चकर आहे हीअ दुनिया में मतिलबु चंद के कॉन्फ्रेंस थियूं हूंदियूं जंहिंजो फोकस ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ते हूंदो पर हिन पाकिस्तान में मुझे ख्याल में ये पहली कॉन्फ्रेंस आ जेका डायरेक्ट ग्रीन इनोवेशन के ये मसले के ग्रीन इनोवेशन की टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस के एवेल्यूट करने लाइ कई वही है असा के ये दिसणो आ ग्रीन इनोवेशन टेक्नोलॉजी जेका असा इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस थी 60 वाले दहाके में उन केतरो जो है सो इनकलाब आंदो ऐं माण्हुनि जी हालत बदली या न बदली हारनि जा मसला हल थिया न थिया प्रोडक्टिविटी वधी या न वधी इन सभिनी शयुनि खे असां उनजी परफॉर्मेंस जाचण लाइ इहा कॉन्फ्रेंस कई आहे। उन खां अलावा जेके तजवीज़ूं ईंदियूं असां वटि जेके फाइंडिंग्स ईंदियूं रिसर्च जूं उहे असां गवर्नमेंट ताईं पहुचाईंदासीं त जीअं ज़राइत खे बहितर करे सघिजे ज़रई इनकलाब आणे सघिजे हारनि जी हालत बहितर करे सघिजे ऐं उन खां पोइ फूड इनसिक्योरिटी जे मसइले खे डील करे सघिजे ऐं वॾे वॾो मसइलो जेको क्लाइमेट चेंज आहे उनखे डील करे सघिजे। त मुंहिंजे ख़्याल में हीउ तमामु हिकिड़ो अहम कंट्रीब्यूशन आहे पाकिस्तान रिसर्च सेंटर जो त इन एतिरनि टिनि चइनि मसइलनि खे हिकिड़ी जाइ ते वेही करे उनजे बारे में डायलॉग करणु डिबेट करणु ऐं उनजो हल ॻोल्हणु इहो हिकिड़ो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे पाकिस्तान सां। सर ॾिठो वञे त हींअर पाणी जी खोट एतिरी आहे जो एग्रीकल्चर ते बि असरु पवे थो उन हवाले सां तव्हांजो पाणी जी खोट जेका आहे उनखे ईअं डील करे सघिजे थो त हिकिड़ो त मसिलो इहो आहे उन बेड गवर्नेंस आहे वाटर गवर्नेंस खे इम्प्रूव करण जी ज़रूरत आहे। वाटर गवर्नेंस इम्प्रूव कीअं थींदी तव्हां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खे बहितर कयो माना उन मां पॉलिटिक्स खे माइनस कयो जेके बिग लैंड लॉर्ड्स आहिनि जा वॾा लैंड लॉर्ड्स आहिनि उन्हनि जी जेका हिक हटी आहे या जेको आहे हेजमनी आहे या जेको डॉमिनेंस आहे उनखे ख़तमु करिणो पवंदो। उन खां पोइ ॿी ॻाल्हि इहा आहे त पाणी जो वेस्टेज खे रोकणो पवंदो केनाल्स जे ज़रिए वाटर कोर्स ज़रिए जेको वेस्टेज थिए थो उनखे 70% जेको वेस्ट पाणी थिए थो उनखे असां वेस्ट थियण खां बचायूं ऐं ॿियो वाटर प्लांट्स असां वाटर सेविंग प्लांट्स खणी अचूं माना घर में केतिरो पाणी यूज़ करिणो आहे फैक्ट्री में केतिरो उनजो एटलीस्ट माना को चेक एंड बैलेंस हुजणु खपे मतिलबु बग़ैर जेको आहे सिस्टम जे बग़ैर मैकेनिज़म जे पाणी जो इस्तेमालु मुंहिंजे ख़्याल में उनजे करे वेस्टेज थिए पई ऐं हीअ तमामु इंपॉर्टेंट सोर्स आहे पाणी जेकॾहिं न आहे त लाइफ कोन्हे ज़राइत कोन्हे तव्हां वटि मतिलबु लाइफ पॉसिबल कोन्हे पाणी खां बग़ैर उनजे करे पाणी असांजो तमामु इंपॉर्टेंट सोर्स आहे इनखे असांखे सिक्योर करण जी ज़रूरत आहे असांखे वाटर प्लांट्स आणणा पवंदा गवर्नमेंट खे बहितरीन एफर्ट आहे पाकिस्तान सिटी सेंटर जे वटि छो त दुनिया में अॼु वॾे वॾो इशू फूड इनसिक्योरिटी आहे यानी की असांजा जेका फूड सिक्योरिटी जा जेके इशूज़ आहिनि उहे तमामु हाईलाइट थियनि था दुनिया में ऐं जेकॾहिं तव्हां पाकिस्तान खे ॾिसंदो
तो पाकिस्तान इन वक्त दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में पर मां टॉप 5 कंट्रीज में जिते क्लाइमेट चेंज इशूज तमाम घना रहन था। क्लाइमेट चेंज हमेशा हमेशा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से उन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रो सो इन तनाजर में चवंदम जो पाकिस्तान में सिचुएशन रहे मेल न्यूट्रिशन फूड क्राइसिस के हवाले से पाकिस्तान स्टडी सेंटर की वही कोशिश है एक सुठी कोशिश है तो उन्होंने रिसर्चर के पा में कटे किया एक प्लेटफॉर्म से आंदो आ तो रिसर्च पा वेही कर असे क्राइसिस में गुजरूँ था उनको हल कटे उनो लायामल कटे और इम्प्लीमेंट कराजे तो असाई जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन थोड़ी मैसेज वजे असाजे मानून में कि जो फूड क्राइसिस उनके मोड़े तो मां समझा तो मां वरी भी चवंदम पाकिस्तान स्टडी एक बेहतरीन कम किया अड़ा अड़े किस्म जहा कॉन्फ्रेंस थे घुर्ज बी गाल तो हि कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर भी स्कॉलर्स आया जिनके कंट्रीब्यूट किया सो अस इन हवाले से पाकिस्तान सेंटर के जस्ट दीदास आई विल मेक कंग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम ऑफ पाकिस्तान सेंटर। सर डिठो वे तो इन वक्त पानी की सिंध में तमाम ज्यादा खोट है उन हवाले से इन वक्त एग्रीकल्चर से भी तमाम असर घो पे रहा है उन हवाले से चवंदो बिल्कुल बिल्कुल छोजो जै सिचुएशन में गुजरी रहा हूँ वो वाटर क्राइसिस पर वाटर क्राइसिस के तुम डीपली ना उन तालुक क्लाइमेट चेंज से दुनिया में क्लाइमेट चेंज ही रहे तो एक ग्लोबल क्लाइमेट है लोकल क्लाइमेट है दुनिया में जिते कि चेंजेस अचे तो हाँ क्लाइमेट चेंज जी इम्पैक्ट्स खास कर असाजे खिते में वो नेगेटिव्स रहा उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट पे तो वही असाजे वाटर रिसोर्सिस तुम ऐसो पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टेट है खास कर सिंध भी ऐसो सिंध की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है जैसे अस पानी न हों तो वो जाहिर ही गाल उनको इम्पैक्ट वही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन न हों ओतो न मिल तो इन्फ्लेशन थी ठीक है ना इन्फ्लेशन भी थी बेरोजगारी बदी वो वायलेंस के यानी तशद्दुद बदो मानुन में एकड़ो इंतशार फैलबो सो मां समझा तो असके वाटर जो पानी है उन पैर क्लाइमेट चेंज के ऐसा पवो बो डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होने खेल रिवोल्यूशन से ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान स्टडी सेंटर के पारा मुनद कई वही है जैसे मेन मकसद यो ही है तो तैंजा जो है वण पोखो बूटा पोखो तो जी मौसम तदी थिए तसद अजकल मौसम कड़ी सख्त है गर्म है उन मेन सबब यो है मानुन में आगाही को मानुन में शौर को मानुन के शौर दियण के लिए ये कॉन्फ्रेंस पैदा कई हुई है तो मानु जी पैंजन इलाकन में वनन पैंजी वणकारी कन तो जी मौसम के असरात का मानुन के महफूज कर सकजे हाँ समझा तो ही टॉपिक ढो इम्पॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे अस चूं पाया एग्रीकल्चर के लिहाज का को जमानो हो जैसे इंसान सिर्फ जैसे अस चवंदा आयूं हंटिंग एंड गैदरिंग वो पे इंसान जो दौर हो जैमें वो शिकार से हूँ उन एग्रीकल्चर की बेसिक एग्रीकल्चर आई जैमें बिज उन पानी के इस्तेमाल के समझो वो उनखा पो असो बो रेवोल्यूशन आयो जैमें अस उन फसलन के कमर्शलाइज कयो मैकेनाइज कयो छो जो ट्रांसपोर्टेशन अची वही उनखा पो ही जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यो थर्ड रेवोल्यूशन है जैमें चावर कणक के खास तौर पर छो ये असा बेसिक फूड आन इन वाधारे के दिठो वो उनखा पो हाँ तो समझा तो चौथों दौर अची वो है जैसे अस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूं था समझा तो ये टॉपिक ढो इम्पॉर्टेंट है इन कॉन्फ्रेंस जो रिकमेंडेशन होजन खपन उ गवर्नमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साउथ एशिया के कंट्रीज के दियण खपन ताकि उनको कारामद साबित थे पानी जो जिस तीन मसलो है पानी जो आऊँ हमेशा चवंदो आया तो पानी के खोटाई में एक तो कुदरत जो पैंजी जगह से नेचुरल पंजा पार्ट्स आन पर असे इंफ्रास्ट्रक्चर से ध्यान देने खे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर थो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही थी पानी असांखे सही मिलंदो सिंध यूनिवर्सिटी जो जो सेंटर है पाकिस्तान स्टडी सेंटर उनको जो डायरेक्टर साहब है डॉक्टर शुजात अहमद महेश सर उनके एप्रिशिएट कदस तो उन एतरी वही कॉन्फ्रेंस वो ऑर्गेनाइज कई जो सो इन फायदो इंशाल्लाह जो सो काफ़ी थोड़ा और बी गाल चवण चाहस तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो पाकिस्तान में आयो वो तो इनके 1960 में आंदो वो 1960 में इन आंदो वो तो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है उनके जरात बनी में कम थोड़ा फर्टिलाइजर आंदा वह पाकिस्तान कंपनी फर्टिलाइजर ठाया हुआ इरीगेशन पानी जो मामलो हों उनके हवाले से रिवोल्यूशन ठाई वही इन वक्त दिखो वे तो सिंध में पाकिस्तान में तो पाकिस्तान क्राइस हुई है
पर सिंध में हिंसर एक किस्म जो डुकार अची वो पानी बिल्कुल किराए से अची वो इन ला अस हुकूमत के घुर्जे त हुकूमत के कदम खड़न घुर्जन जो नवा नवा डैम ठाण घुर्जन जिनमें पानी स्टोर किया वे सर्दी में जो पानी वी वो उसे स्टोर किया वे जैसे पानी की जरूरत पे पानी की खोट पे तो वो पानी मुहैया किया वे। ऐसो ज़रायत जो है सो पाकिस्तान जो बेसिक नीड है उन तहत असें किस्म जहाँ प्रोग्राम करण खपन जो असाजे हार इंफॉर्मेशन मिले तो ज़रायत जहाँ मुख्तलिफ़ तरीका डिजिटलाइज की तरफ वन जो ज़रायत के हिंसर बेहतर कर मशीनरी है उनके यूज़ करना पुराना तरीका खत्म कर उनके तहत अस प्रोग्राम कर रहा हूँ। हवाले से दिखो वे तो इन वक्त जो पानी की खोट तमाम ज्यादा है उनके कर ग्रीन एग्रीकल्चर से भी असर पे तो उन हवाले से ऐसो पाकिस्तान एज ए स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट सेंटर तक खबर है तो उनमें एक ला मौजूद है जिनके तहत अस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन थी कॉन्स्टिट्यूशनली तो असके घुर्ज तो गवर्नेंस जो है उनके दूर कर माना जो सेट कज जो तो सजो गवर्नेंस जो मसलो है अगर उनके पानी हर सूबे के डिस्ट्रीब्यूट करे पंजो हक दिनो वने तो को अड़ो इशू इंशाल्लाह ताला वरी नहीं इंदो छो तो पाकिस्तान में ऑलरेडी पानी भी मतलब घणो है ग्लेशियर वगैरह हैं तो अगर यो सजो सिस्टम एकड़ो माना गवर्नेंस जो सजे तो इन कमी है एकड़ो ओ असा कमी जे दूर कयो तो इंशाल्लाह यो मसलो हल थी। कैमरामैन फैसल सीनो सागर काशिफ चन्ना पब्लिक इशू न्यूज़ जामशोरो।